वेलकम गाइस बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं हूं आपका दोस्त जूनी 69 है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं अपना व्लॉग इसी कमरे से स्टार्ट क्यों करता हूं, तो उसकी रीज़न ये कि ये कमरा हमारे पास कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो मैं आप लोगों को इस कमरे का टूर करवाता हूं, लेकिन उससे पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो एक सेकेंड बैटरी लो, कोई बात नहीं, घर की बिजली है, चार्ज होगी ना। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो पहले हम बात करते हैं हमारे कैलेंडर 2022 के बारे में, जो मैं अपने दोस्त की दुकान से उठा के लाया था। कैलेंडर के साथ थोड़ा सा कैमरे को घुमाएं तो यहाँ पे पड़े हैं मेरे ट्राइपॉड्स। ये वाला ट्राइपॉड 7 फीट का, ये वाला 5 फीट का, वीडियो में काम शाम दे देता। तो ये पड़ा है हमारा छोटा सा प्यारा सा गिम्बल, जो कि फिलहाल टूट गया है मुझसे। तो आप लोगों को पता है पाकिस्तानी जुगाड़ू कौम है, तो इस पे मैं माइक लगा के बोया का इसको कर लेता हूँ यहाँ पे फिट। तो ये है हमारी प्यारी सी LED लाइट। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ मेरे काम करने का वर्किंग एरिया। ये है हमारी 1500 वाली सस्ती सी कुर्सी। ये हमारे पास डेल का PC, बूफर, उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड, माउस और ये लैपटॉप कंप्यूटर। ये अजाफी मैंने PC रखा हुआ है काम करने के लिए, इस पर काम करता हूँ मैं। तो सीन ये है कि आज हम घूमने फिरने जा रहे हैं एक मिस्ट्री प्लेस पे, जहाँ की हर चीज़ ही मिस्ट्री है। तो वहाँ जाने से पहले वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अभी, सॉरी। अच्छा, अभी मैं घर से निकल रहा था तो दो पार्सल आए हैं हमारे, तो पहले उनको चेक कर लेते हैं। मेरे दराज से दो पार्सल आए हुए हैं, पहले इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोनों को करते हैं अनबॉक्स। इसको रखते हैं साइड पे। ये हमारे पास आ जाता है छोटा सा गिम्बल, अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको बाय करना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो लो जी, हमारे सफ़र की शुरुआत होती है यहाँ से। बारिश वारिश आई हुई है तो यहाँ पे पानी वानी गिरा हुआ है, तो रास्ता थोड़ा आड़ा टेढ़ा है। हाथ में क्या घुस गया। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, लगता है बारिश होने वाली है। तो बादल घिरे हुए हैं, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो मिस्ट्री प्लेस। अभी मैं आप लोगों को अंदर का व्यू चेक करवाने लगा हूँ, लेकिन मैं अंदर बात नहीं कर सकता कैमरा ले जाकर, तो बाहर आके बात करते हैं। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ, इसे हरीशा का दरबार बोलते हैं। हरीशा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी बाबा जी के पास मन्नत लेके आता है, बाबा जी उनकी ज़िंदगी हरी भरी कर देते हैं। तो इस जगह में मिस्ट्री ये है कि कुछ लोगों का, कुछ नहीं बल्कि बहुत लोगों का कहना है कि बाबा जी यहाँ पर नज़र आए। तो बाबा जी की सारी ज़िंदगी यहीं पर कटी है। बहुत टाइम पहले बाबा जी यहाँ पर आए थे रहने के लिए, और यहीं पर उनका गुजर बसर होता था। तो यहीं पे वो रहते थे, खाली कमरा था यहाँ पे। जब बाबा जी यहाँ पे रहने लगे तो जो साथ वाले हैं जिनकी ये ज़मीनें हैं, उन्होंने बाबा जी को तंग करना शुरू कर दिया। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनकी ज़मीनों में आग लग गई, उनकी फसल सारी जल गई। फिर वो मिन्नतें करके बाबा जी को यहीं पे दोबारा लेके आए, लेकिन बाबा जी यहाँ पे आए नहीं। तो बाबा जी ने ये बोला था कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन जब मैं मर जाऊँगा तो मैं यहीं पर आ कर दफन होऊँगा। अब तुम लोगों को बड़ी मिस्ट्री ये बताने लगा हूँ, सफान काम फ्री है मेरी यहाँ पे। तो बाबा जी जब दफनाए गए तो बाबा जी की जो बॉडी है वो यहाँ पे दफनाई नहीं गई, बाबा जी को अंदाजन यहाँ पे दफनाया गया है। बाबा जी के यहाँ पे कब्र बनाई गई है, तो अंदाजन बनाई गई है। और वो जो आप कब्र देख रहे हो बाहर की साइड पे, वो बाबा जी के नौकर थे, तो उनकी कब्र भी यहीं पे बन गई। तो
सच में बता रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे वीडियो बनाते हुए। आज से तकरीबन 20-30 साल हो गए, तो किसी को पता नहीं बाबा जी की जो बॉडी है वो कहाँ पे है। यहीं पे बस बाबा जी कहते हैं यहाँ पे उनकी रूह दफन है, मतलब यहाँ पे उनकी रूह की कब्र बनाई हुई है, तो अंदाजन कब्र बनाई हुई है। बाबा जी की यहाँ पे बॉडी नहीं है, लेकिन बाबा जी यहाँ पे नज़र ज़रूर आते हैं। तो दिन ढलने के साथ इस लोगों का रिमाइंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज लगता है बारिश होगी।